हे गाइस, वेलकम एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल स्टाइलिश ब्यूटीफुली। सो गाइस, हाल ही में कॉफी विद करण में रणवीर और दीपिका पादुकोण गेस्ट पहुंचे। इस दौरान दीपिका ने रणवीर सिंह अपने रिश्ते को लेकर कुछ ऐसा कहा कि अब वो ट्रोल हो रही है। कॉफी विद करण बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल शो है, हर एपिसोड में कोई ना कोई कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट होती है और ऐसा ही हुआ है। आपको बता दें, रणवीर और दीपिका फर्स्ट गेस्ट थे 8th सीजन के। इस दौरान दोनों स्टार शोज के होस्ट करण जौहर ने इनके साथ मज़ेदार बातचीत की और कई खुलासे किए। दीपिका ने रणवीर सिंह अपने रिश्ते को लेकर कुछ ऐसी बात कह दी जो सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रही है। दरअसल दीपिका ने बताया कि वो शुरुआत में रणवीर के साथ सीरियस नहीं थी। एक्ट्रेस कहती है कि मैं सिंगल रहना चाहती थी क्योंकि मैं दो बहुत मुश्किल रिलेशनशिप से निकली थी। मैं किसी के साथ कमिटेड नहीं होना चाहती थी और रणवीर के साथ भी सीरियस नहीं थी, लेकिन जब इसने मुझे शादी के लिए प्रपोज़ किया तब मैं सीरियस हुई। दीपिका आगे ये भी कहती है, हालांकि हम दोनों ओपन रिलेशनशिप में थे, बावजूद इसके हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह पाते थे। वही ऐसा लग रहा है कि लोगों को दीपिका की ये बात कुछ खास पसंद नहीं आई और उन्हें इस वजह से जमकर ट्रोल किया गया है। और कई लोगों का मानना तो ये भी है कि ये एपिसोड के बाद रणवीर और दीपिका के रिश्ते में दरार भी आ सकती है, और इस बात में अभी कितनी सच्चाई है ये तो जल्द ही पता लगेगा। लेकिन रणवीर और दीपिका का ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल रहा। सो गाइज, अगर आपने ये एपिसोड देखा है तो बताइए आपका इस बारे में क्या ख्याल है। अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।